लटेरी में शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर सेल्समैन की मनमानी और अधिकारियों की मिलीभगत के चलते आम गरीब जनता को शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। यहां सेल्समैन 2 से 3 दिनों में खाद्यान्न का वितरण कर दुकानों पर ताला डाल देते हैं और बचे हुए हितग्राही महीनों अनाज के लिए चक्कर काटते रहते हैं, जिसके बाद भी उन्हें अनाज नहीं मिल पाता। जब वॉइस ऑफ राइट्स की टीम ने क्षेत्र का अवलोकन किया तो ग्राम कालादेव गोलाखेड़ा बपचा में दुकानें बंद पाई गईं। वहीं गांव के लोगों का कहना है कि अधिकारियों से शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती, खाद्य अधिकारी नियमानुसार कार्रवाई नहीं करते हैं। आप ये बताएं, ये उचित मूल्य की दुकान है, रोज खुलती है क्या? 1 महीना 2 दिन या 3 दिन मुश्किल से बस। तो 2-3 दिन में सारा वितरण हो जाता है क्या? नहीं हो पा, कई लोग रह जाते। तो क्या होता पर ऐसे गरीब लोगों को मतलब हक नहीं मिल पा रहा है उनका? तो बाद में बेच जाते, जो कोई कोई दुकान पर दे जाते। मेरे 2 बार गिराया था। अच्छा, 2 महीना मेरे चना आया, बहुत लापरवाही कर रहा हूँ। आपका घर के चना आया? और क्या नाम है? नितिन है, नितिन सेन। अच्छा, तो आपने कभी इस चीज़ की शिकायत नहीं की अधिकारियों से? शिकायत नहीं करी हमने, शिकायत तो नहीं करी। तो ऐसे में मतलब किस तरह से फिर आप शिकायत की सुनवाई नहीं हो? 50 रुपये सबकी रेल है, कब आता लेट रही है हम रात में, कोई शिकायत मतलब नहीं। जहाँ का बोर्ड इंस्पेक्टर एक बार शिकायत करी थी, वहीं मिलजुल के बहुत सुनवाई नहीं भाई। मतलब आपका कहना ये है कि अधिकारियों की मिली भगत से? हाँ, अधिकारी और गरीबों को अपना हक नहीं मिल रहा, सही नहीं मिल पा रहा जो हो रहा हो। उचित मूल्य की दुकान की व्यवस्था किस तरह संचालित हो रही है, ठीक ठाक है क्या? ठीक ठाक, तो वो 3 दिन तो बांटते हैं, 3 दिन और एक तो केवल देख जाते और एक जगदीश देख जाते, दो व्यंजन देख जाते एक कट्टा हर महीना आप देख जाते हो मेरे सामने देख गाँव काले। तो क्या धर्मेंद्र होटल कार्ड होगा, राशन कार्ड होगा जिसका देते होंगे? नहीं नहीं, वो अलग ले दो और जाके अलग दे दो चावल और जी तो कट्टा थोड़ी देते हैं अपन। आपका कहने का मतलब है कि ब्लैक में? ब्लैक में दे देगा, ब्लैक में, ब्लैक में इनको दिया जाता है। अच्छा, आपको लगता है 2-3 दिन में सारे गांव के लोग ले जाते होंगे? रह जाते दो चार तो रह जाते और ज्यादा भी रह जाते 15 लटेरी सुन के भैया सब रहेगा। तो जो बचता है उसे ब्लैक कर दिया जाता है? नहीं, सामने महंगे भाव में बेच जाते, महंगे भाव में बेच जाते। और नियम तो ऐसा कुछ नहीं है, जब डाउनलोडिंग हो जाती है और राशन आ जाता है दुकानों पे तब से वितरण स्टार्ट हो जाना चाहिए उसके नेक्स्ट दिन से, ठीक है। और राशन वितरण के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल टाइम आपका फिक्स है, सुबह से उनका टाइम रहता है, उसको लिखा भी रहता है बाहर कि किस वार से, मतलब सोमवार से खोलेंगे वो दुकान, सोमवार से शनिवार तक खुली रहेगी, एक हफ्ते में एक दिन उनका बंद रहने का रहता है दुकान का। और आप जो बता रहे हैं कि दुकानें नहीं खुली हैं तो उसके बारे में मुझे बता दीजिए, मैं उसके बारे में कार्रवाई करूँगी कि कौन सी दुकानें बंद है, किस कारण से बंद है। वैसे भी अभी हमारी मशीनें डाउनलोड भी लेट हुई थी और माल ही 8 तारीख तक तो माल ही पहुँचा है। ये बात जो है सैटरडे की है और अभी 8 के बाद की है ये बात। बापचा, गोलाखेड़ा और कालादेव, ये तीनों दुकानें मतलब 11 से लेके 1 बजे के बीच में ये बंद पाई गई। अच्छा। बापचा पर एक ब्लैक की शिकायत भी पाई गई थी, तो क्या कहना चाहेंगी इस पर? आप मुझे बताइए, मैं ज़रूर इसमें जांच करूँगी, ठीक है। वहीं जाकर हितग्राहियों से भी पता किया जाएगा कि क्या दिक्कत है उनको, आप बोल रहे हैं कि ब्लैक में करते हैं तो उनसे पता किया जाएगा कि किसको क्या समस्या आ रही है, कि राशन सही से वितरित होता है या नहीं होता है, दुकान कब खुली रहती है।